सोनीपत में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का पीला पंजा। डीटीपी विभाग ने अवैध कॉलोनियों पर की कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान विभाग को लोगों के विरोध का भी करना पड़ा सामना। सोनीपत की राय विधानसभा के बहालगढ़ क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां पनप रही हैं, जिसके लेकर अब डीटीपी विभाग भी सख्त हो गया है। डीटीपी विभाग की टीम ने अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए एक चार दीवारी को तोड़ा और अवैध निर्माण करने वालों को सख्त चेतावनी दे दी। हालांकि पहले भी विभाग की ओर से कई बार अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बाद भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण कार्य नहीं रुक रहा, जिसके चलते एक बार फिर विभाग को सख्त रूप अपनाना पड़ रहा है। और इस दौरान टीम ने करीब 2.25 एकड़ में पनप रही अवैध कॉलोनियों में 3 कच्ची सड़कों को भी तोड़ दिया। आज 2 जगह कार्रवाई करी है, एक तो खेवड़ा रोड के ऊपर की है, 7-8 एकड़ थी मतलब वहाँ पे, उसके अंदर DPC डली हुई थी वो तोड़ी हैं, 4 दीवारियाँ हैं वो तोड़ी हैं, दूसरी यहाँ की थी इस जगह पर, इस पर भी बाउंड्री वॉल DPC और ये कच्ची मिट्टी की सड़कें बनाई हुई हैं, इसमें तोड़ने की चल रही है कार्रवाई, इनको तोड़ रहे हैं। वीक अंदर FIR भी दर्ज हो रही हैं, बोर्ड भी लगे हुए हैं बाहर, आप देखोगे सभी के ऊपर भी NS राज कॉलोनी है, सेल परचेज बंद है और जो भी सेल परचेज करेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, तो FIR भी दर्ज है, कार्रवाई भी पूरी कर रहे हैं इनके खिलाफ। हालांकि DTP विभाग की इस कार्रवाई के दौरान कॉलोनी वासियों ने रोष प्रकट किया और कई बार विभाग के काम को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन टीम ने उनकी एक न सुनी। लोगों का कहना है कि उन्हें अपने जीवन भर की कमाई जमीन और मकान बनाने में लगा दी है, लेकिन अब प्रशासन की ओर से इसे तोड़ा जा रहा है। साथ ही लोगों ने बिल्डर पर कार्रवाई करने की बात भी कही। मेरे को किसी ने बताया कि यहाँ जमीन सस्ती मिल रही है, मैंने वो जमीन यहाँ पे आन के ले ली। यहाँ के प्रॉपर्टी डीलरों ने हमारे साथ चीटिंग करी, उन्होंने ये नहीं बताया कि जमीन अभी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है और वो वैसे ही बेचते रहे। खेती और जमीन थी सारी, वो सब एक्वायर उन्होंने पैसा दे के और सब कुछ उन्होंने अपना बना लिया। इसलिए यहाँ के जो प्रॉपर्टी डीलरों पे क्यों नहीं गवर्नमेंट वो अंकुश लगाती। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो जितने प्रॉपर्टी प्रशासन को चाहिए, जितने भी ये प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं यहाँ वहाँ, इनको सबको अरेस्ट करें। प्रशासन ने इससे पहले भी अवैध कॉलोनियों में निर्माण न करने की चेतावनी दी है, बावजूद इसके लोग अवैध कॉलोनियों में घर बनाते रहते हैं, जिस पर प्रशासन ने अब सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी है।